आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ड्रीम इलेवन क्या है, कैसे इसमें टीम बनाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप ड्रीम इलेवन के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को प्लीज़ कम्प्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोज़ लाता रहता हूँ। यदि आप असम, तेलंगाना, उड़ीसा और सिक्किम राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप ड्रीम इलेवन नहीं खेल सकते। इन राज्यों में ड्रीम इलेवन ऐप पर बैन है। तो चलिए बिना देरी करें शुरू करते हैं। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा, तो सबसे पहले आपको ड्रीम इलेवन ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक कर आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे। एक आएगा रजिस्टर, लेटेस्ट प्ले, और नीचे दो और ऑप्शन है लॉगिन का, और एक है इनवाइट कोड से रजिस्टर करने का। तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ, यदि आपने पहले से ही अकाउंट बना रखा है तो आपको सिंपली लॉगिन करना है। यदि आपने पहले से अकाउंट नहीं बना रखा, आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं ड्रीम इलेवन, तो आपको यहाँ पर इनवाइट कोड से रजिस्ट्रेशन करना होगा। इनवाइट कोड से रजिस्ट्रेशन करने में फ़ायदा ये है कि आपको 100 रुपीज़ मिलेंगे खेलने के लिए। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है इनवाइटेड बाई ए फ्रेंड इंटर कोड। इसके बाद आपको सबसे ऊपर इनवाइट कोड डालना है। इनवाइट कोड आप ये डाल सकते हैं जो मैंने डाला है, ठीक है। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है और अपना एक ईमेल डालना है और एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आप इस तरीके से बना सकते हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। 8 कैरेक्टर से कम का नहीं होना चाहिए और 16 कैरेक्टर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। 8 और 16 कैरेक्टर के बीच ही आपको पासवर्ड बनाना है। सभी डिटेल फिल करने के बाद में सिंपली आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको OTP डालना है। जो आपने मोबाइल नंबर डाला था उस पर एक OTP आएगा। इसके बाद सिंपली आप रजिस्टर हो जाएंगे। अब इसके बाद आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, तो यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है। अब देखिए दोस्तों, हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। चलिए अब बात करते हैं कि इसे खेलते कैसे हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप ऊपर देख रहे होंगे यहाँ पर काफ़ी सारे टूर्नामेंट हैं, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल और काफ़ी सारे यहाँ आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए क्रिकेट सेलेक्ट कर रखा है। तो इसके नीचे देखिए काफ़ी सारे अपकमिंग मैच हैं, जो मैच स्टार्ट होने वाले हैं। यहाँ पर देखिए टाइम भी लिखा होता है कि कौन सा मैच कब स्टार्ट होने वाला है। तो आपको मैच शुरू होने से पहले ही लीग ज्वाइन करनी होगी। तो देखिए दोस्तों, आप सबसे ऊपर देख रहे होंगे आज बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस का मैच है। ड्रीम इलेवन IPL चल रहा है, आपको पता होगा इंडिया में। तो आप इसमें यदि लीग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप कोई सा भी कंटेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी सारे कंटेस्ट हैं। एंट्री फीस आप देख सकते हैं यहाँ पर 49 है, 35 है, 41। तो देखिए दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं तो सबसे नीचे आपको एक प्रैक्टिस कंटेस्ट मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहले प्रैक्टिस कर लेना है कि इसे खेलते कैसे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसे खेलना कैसे है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप कौन सा कंटेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं। अब इसके बाद ना यहाँ पर दोनों टीम के प्लेयर्स आ जाएंगे। आपको दोनों टीम में से ही प्लेयर को सिलेक्ट करना है। आप एक ही टीम में से सभी प्लेयर सिलेक्ट नहीं कर सकते, दोनों में से ही आपको सिलेक्ट करने होंगे। आप यहाँ पर 1, 2, 3 या 4 विकेट कीपर तक सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 से 4 तक। तो देखिए दोस्तों, मैच शुरू होने के 20 मिनट पहले ये अनाउंस किया जाता है कि कौन सा खिलाड़ी खेल रहा है और कौन सा नहीं खेल रहा है। आपको वही खिलाड़ी सिलेक्ट करने हैं जो खेल रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी खिलाड़ी खेल रहे होंगे उनके सामने अनाउंस्ड लिखा होगा, तो आपको समझ जाना है कि ये खिलाड़ी खेल रहे हैं। और जिन खिलाड़ी पर आप रेड डॉट देख रहे हैं वो नहीं खेल रहे हैं। तो ये 2 विकेट कीपर हैं, तो इनमें से मैं दोनों को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है कि कौन सा खिलाड़ी सही है, हमें कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। मिनिमम आपको 1 विकेट कीपर तो सिलेक्ट करना ही है। इसके बाद में आपको यहाँ पर बैट्समैन सिलेक्ट करने हैं। बैट्समैन आपको मिनिमम 3 सिलेक्ट करने हैं और मैक्सिमम 6 सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं बैट्समैन भी सिलेक्ट कर लेता हूँ।
अब इसके बाद में एक बात और मैं आपको बताना है भूल गया, यहाँ पर लिखा है क्रेडिट्स लेफ्ट, यहाँ पर 42 क्रेडिट है हमारे पास। तो ये क्रेडिट जो होता है इसी से ही हम प्लेयर को सिलेक्ट कर पाते हैं। हमारे पास टोटल 100 क्रेडिट्स होते हैं, तो हम यहाँ पर 58 क्रेडिट्स यूज कर चुके हैं खिलाड़ियों को सिलेक्ट करने में। अब हमारे पास 42 क्रेडिट्स हैं। अब इसके बाद आपको ऑलराउंडर भी सिलेक्ट करने हैं, तो चलिए मैं ऑलराउंडर भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद आपको बॉलर सिलेक्ट करने हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने 11 खिलाड़ी सिलेक्ट कर लिए हैं। अब इसके बाद मैं आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है, और यदि आप अपनी टीम को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं टीम प्रीव्यू पर, तो जो भी आपने टीम सिलेक्ट की है वो यहाँ पर आ जाएगी। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर अपने एक प्लेयर्स को कैप्टन बनाना है और एक प्लेयर्स को वाइस कैप्टन बनाना है। तो देखिए दोस्तों, मैं रोहित शर्मा को कैप्टन बना देता हूँ और मैं वाइस कैप्टन विराट कोहली को बना देता हूँ। और जिस प्लेयर को आप कैप्टन बनाएंगे उस प्लेयर से आपको डबल पॉइंट मिलेंगे बाकी प्लेयर्स के मुकाबले, और यदि आप किसी प्लेयर को वाइस कैप्टन बनाते हैं तो उससे आपको 1.5 गुना ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे। इसके बाद आपको सिंपली सेव टीम पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, तो सिंपली आपको यहाँ पर ज्वाइन कंटेस्ट पर क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने जो है कंटेस्ट ज्वाइन कर लिया है। इसके लिए यहाँ पर आपको माई कंटेस्ट पर जाना है, और इसके बाद आपको यहाँ क्लिक करना है, और इसके बाद में आप यहाँ पर लीडर बोर्ड भी देख सकते हैं। जिन लोगों ने भी इस कंटेस्ट को ज्वाइन किया होगा वो सब यहाँ पर लीडर बोर्ड में आ जाएंगे। जब मैच शुरू होगा आप यहीं पर ही अपनी रैंक देख सकते हैं। मैच शुरू होने से पहले आपके सभी प्लेयर्स को 4 पॉइंट पहले ही मिल जाएंगे, स्टार्टिंग के 4 पॉइंट मिलते हैं। यदि आप फर्स्ट रैंक पर आएंगे तो आपको ज़्यादा प्राइज मिलेगा, यदि आप सेकंड पर आएंगे तो आपको उससे कम मिलेगा प्राइज। कुछ कंटेस्ट ऐसे भी होते हैं जिसमें केवल फर्स्ट रैंक पर ही प्राइज मिलता है। अब इसके बाद में जब भी आपको अपना कंटेस्ट देखना हो तो आपको यहाँ पर नीचे माई मैच पर क्लिक करना है, तो आपने जिस मैच में कंटेस्ट ज्वाइन किया होगा वो मैच आ जाएगा। और इसके बाद में जब मैच लाइव आएगा तो आप यहां पर लाइव पर क्लिक कर देख सकते हैं अपनी रैंक और अपने पॉइंट को। और इसके बाद में जैसे ही आप कंप्लीट पर क्लिक करते हैं तो यहां पर वो मैच आ जाएंगे जो आप पहले खेल चुके हैं, जो आपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद में आपको पॉइंट सिस्टम समझना बहुत ज़रूरी है, तो मैं आपको बताता हूँ कि पॉइंट सिस्टम कैसे वर्क करता है, आपको कैसे पॉइंट मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर फैंटेसी पॉइंट सिस्टम पर क्लिक करना है। आप यहां पर सभी टूर्नामेंट के पॉइंट सिस्टम को देख सकते हैं। तो मैं क्रिकेट का आपको बता रहा हूं, जो प्लेयर आपने सेलेक्ट किया है वो जितने रन बनाता है उसके आपको उतने पॉइंट मिलेंगे। यदि आपका प्लेयर 40 रन बनाता है तो आपको 40 ही पॉइंट मिलेंगे। अब इसके बाद में यदि आपको कोई प्लेयर बाउंड्री मारता है तो आपको हर एक बाउंड्री पर एक बोनस पॉइंट मिलेगा एक्स्ट्रा। अब इसके बाद में यदि आपका प्लेयर 6 मारता है तो आपको 2 पॉइंट बोनस के मिलेंगे। यदि आपका प्लेयर 50 रन बनाता है तो आपको 8 पॉइंट का बोनस मिलेगा, ठीक है, 8 एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसके बाद यदि आपका प्लेयर सेंचुरी मारता है तो आपको 16 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। और हाँ देखिए दोस्तों, आपके पॉइंट घट भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपके पॉइंट बढ़ेंगे। यदि आपका कोई प्लेयर ख़राब परफॉर्मेंस देता है तो आपके पॉइंट -2 हो सकते हैं, ठीक है। यदि आपके 2 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने ख़राब परफॉर्म किया तो आपके 4 पॉइंट माइनस हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉइंट सिस्टम समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में कुछ ज़रूरी सेटिंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है, आपको पता होने चाहिए यदि आप ड्रीम इलेवन यूज़ करते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और अपना एक फ़ोटो आप लगाना चाहते हो तो आप यहां से अपना एक फ़ोटो लगा सकते हैं। इसके बाद आपको यहां पर जाना है माई इन्फो एंड सेटिंग में, और यहां पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी डाल सकते हैं, और मेल और फीमेल यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हो तो आप यहां से अपना मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं, और आप अपना यदि पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो आप यहां से अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद आपको सिंपली यहां पर क्लिक करना है अपडेट प्रोफाइल पर, और यदि आप अपना अकाउंट सस्पेंड करना चाहते हो कुछ दिन के लिए तो आपको यहां पर क्लिक करना है सस्पेंड अकाउंट। तो इसके बाद आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, एक आएगा 24 आवर, एक आएगा 1 वीक।
तो आप अपना अकाउंट कब तक सस्पेंड कराना चाहते हो, तो आप इन दोनों ऑप्शन में से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद में एक प्राइवेसी सेटिंग का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन हैं, यदि आप ये चाहते हैं कि आपके प्रोफाइल का नाम कोई ना देखे तो आप इस ऑप्शन को ऑफ कर सकते हैं। और आप यदि ये चाहते हैं कि आपने कितने मैच खेले हैं और आपकी प्रीवियस टीम क्या थी, आप चाहते हैं कि ये भी कोई नहीं देखे, तो आप इसे भी यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। चेंज करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है अपडेट प्रोफाइल पर। और देखिए दोस्तों, यदि आपका कैश ख़त्म हो गया है तो आप कैश ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ अपनी प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक करना है और एक माई बैलेंस का ऑप्शन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद आपको ऐड कैश पर क्लिक करना है। अब जितना भी आप यहाँ पर कैश ऐड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको एक ज़रूरी काम और करना है, उसके बिना आप जीती हुई रकम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको यहाँ पर वेरीफाई नाउ पर क्लिक करना है। ठीक है, वेरीफाई नाउ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है और ईमेल एड्रेस भी वेरीफाई करना है। तो मैं जो है अपने दोनों वेरीफाई कर चुका हूँ। मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है और आपके ईमेल एड्रेस पर एक ड्रीम 11 की तरफ से एक मेल आता है और उसमें एक लिंक होता है, वहाँ पर क्लिक कर आपको अपने ईमेल को वेरीफाई करना होता है। अब इसके बाद में एक पैन का ऑप्शन है, अब यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड की डिटेल देनी है। मैंने पैन कार्ड वेरीफाई कर रखा है, इसमें आपको क्या करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड की फ़ोटो अपलोड करनी होगी और आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, अपना नाम डालना है, वही नाम डालना है जो आपका पैन कार्ड पर है। यदि आपकी एज 18 साल से कम है तो आप इसे नहीं खेल सकते ड्रीम 11 को, इसलिए पैन कार्ड अनिवार्य है। पैन कार्ड डालकर आपको सिंपली सबमिट करना है, फिर वो रिव्यू में चले जाएगा, फिर एक दो घंटे बाद आपका पैन कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पर बैंक के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर भी आपको अपने पासबुक की फ़ोटो अपलोड करनी है प्रूफ के लिए, और यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है। ठीक है, दो बार अकाउंट नंबर डालना है, IFSC कोड डालना है और बैंक नेम डालना है और बैंक ब्रांच जो भी आपकी वो डालनी है, और आपको सबमिट यहाँ पर कर देना है। अब आपका बैंक अकाउंट भी कुछ घंटों बाद वेरीफाई हो जाएगा। ये सब कुछ करने के बाद में इसके बाद आप ड्रीम 11 आसानी से यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूँगा। इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।